नाजरीन, इतनी तेजी से तो मुल्क की आबादी नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। आइए देखते हैं कि महंगाई के खिलाफ सिराजुल हक साहब कैसे एहतजाज कर रहे हैं। देखें, एक मिनट, ये पीएम हाउस की सड़क है, कोई डांस फ्लोर नहीं है। ये डांस वगैरह कहीं और जाकर करें। ओ मेरा भाई, ये हम डांस मास नहीं कर रहे हैं, ये हम एहतजाज कर रहे हैं, और पुरअमन एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है। ओहो, ये कौन सा पुरअमन एहतजाज है? ओ मेरा भाई, मेरा बात सुनो, मैं डराने धमकाने का जरूरत नहीं है। जनाब, मैंने तो आपको धमकाया ही नहीं है। अच्छा, तो आप धमका कर देख लो। ऐसे में समझो मेरे साथ आवाम का ताकत है। ये शोर वगैरह ना करो, सामने पीएम हाउस है, मैं एक दफा कह रहा हूँ आपको। हमारा शोर से उनको तकलीफ होता है। अगर तुम्हारे सरदारों को हमारा शोर से तकलीफ होता है ना, तो उनका महंगाई करने से हमको भी तकलीफ होता है। जाओ अपने सरदारों से कह दो, जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होते, जब तक महंगाई कम नहीं होती, कोई माइकलाल बाजीराव सिराजुल हक को इस सड़क से नहीं हटा सकता है। लड़को, एहतजाज शुरू करो। एक मिनट, आप में से सिराजुल हक कौन है? नवाएं सुने, मैं सिराजुल हक, ये सिराजुल हक है ये। अच्छा, तो आप हैं वो जी सरदार साहब ने, सॉरी, मेरा मतलब है कि वजीर आजम साहब ने आपको अंदर बुलाया है। अच्छा जी, मेरे भाइयों, आपके भाई, आपका ये खादिम, आपका ये मर्द मुजाहिद के होते हुए आपको फिक्र करने का जरूरत नहीं है। आपका ये भाई हुकूमत की अदालत के अंदर आपका जो है मसाइल लेकर जाएगा और उसे हल करवाने के लिए अपनी जान तक लड़ा देगा, और मैं ये मसाइल जरूर हल करके आएगा। चलो मेरे साथ आओ, मेरे साथ। मेरा भाइयो, आपको यह सुनकर खुशी होगी कि आपका भाई इस महंगाई के खिलाफ और आपके मसाइल के खिलाफ अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी जान से लड़ा, और ये जानकर भी खुशी होगी कि हुकूमत ने हमारे इस एहतजाज के सामने घुटने टेक दिए और चीजों के रेट नीचे आ गए। ये मेरे हाथ के अंदर नया रेट लिस्ट है, और इसके अंदर जो है इसके ऊपर वो वजीर आजम का 10 खत भी है। अब नए रेट सुनो, जो अंडे हमको 180 रुपए दर्जन मिलते थे, अब वो हमको सिर्फ 90 रुपए कच्चे मिलेंगे, और चीनी जो कि 100 रुपए किलो मिलते थे, वो सिर्फ 25 रुपए में एक पाव मिलेगी, और वो जो घी था 280 रुपए किलो मिलता था, वो 35 रुपए के अंदर आधा पाव मिलेगा। एक मिनट, सिराजुल हक साहब, ये तो रेट वही है, उन्होंने सिर्फ वजन कम किया है और आपको बेवकूफ बनाया है, रेट तो वही है। अच्छा चलो यार, चलो ये फजूल में इनके साथ हम टाइम जाया करें। चलो, बात तो सुनो मेरा, वो मेरा भाई बात तो सुन जाओ।